देखो यार, बॉलीवुड को तो अच्छा ट्राई कर रहा है तो सपोर्ट करना बनता है बॉस, क्योंकि अभी पीछे जैसे पिक्चर आई है ना बॉलीवुड की, उन्होंने तो नाके कटा दिए। बट अब कंपेयर नहीं करेंगे इनको टॉलीवुड से और दूसरे तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा, क्योंकि बॉस ये इंडिया अपना है ब्रो, यहाँ पे सब मूवीज अपनी बनती है। बट अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो ये कॉपी पेस्ट वाला बंदा हो गया पूरा, क्लासरूम में बैठ के ये दूसरे स्टोरियाँ उठा के, ये तो जाने दो साउथ की तो रहनी दो, ये दूसरे मुल्कों की भी स्टोरियाँ उठा के इधर पिक्चर बना के चला डालते हैं। जैसे लाल सिंह चड्ढा और सलमान भाई भी है उस लिस्ट में जो कि विदेश से पिक्चर उठा के इंडिया में चला रहे थे। बट अभी लोगों को समझ आ गया है भाई कि यहाँ पे ऐसा अब नहीं चलेगा, यहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है कि कौन सी मूवी कहाँ से उठाई गई है और कौन छेप रहा है। बट अक्षय कुमार की और एक मूवी आ रही है, मूवी जो है अच्छी दिख रही है बॉस, बट जो रोबोट का सीन लग रहा है ना वो कुछ ज़्यादा ही ऐसा छपरी लग रहा है यार। मतलब ये हीरो जितनी स्पीड में पिक्चर बना रहा है ना उससे ज़्यादा टाइम यार इसने थोड़ा ग्राफिक पे देना चाहिए, तो वैसे इसके हाथ में नहीं है। पर डायरेक्टर भी क्या करेगा भाई, ये भागते भागते एक सेट से दूसरे सेट पे चले जाता है और पिक्चर बना लेता है। मूवी की स्टोरी अच्छी लग रही है, मूवी में बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार बचाने वाले हैं सीतू रामा को और उसी के ऊपर ये मूवी पूरी घुमाई जाने वाली है। बट फिल्म के अंदर कुछ अलग ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आतंकवादियों का रोल दिख रहा है और ये एक आर्कियोलॉजिस्ट होने वाले हैं अपने अक्षय कुमार। तो भाई ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी बॉलीवुड में या टॉलीवुड में ऐसी फिल्में नहीं बनी है, बनी है, बट ये कुछ ओरिजिनल स्टोरी लग रही है, ये वजह से सपोर्ट करना बनता है बॉस, और हम इसे सपोर्ट भी करेंगे। ग्राफिक को लेकर अपन कुछ नहीं बोल सकते हो रोबोट वाले सीन को, बट जाने दो, ठीक है अच्छी स्टोरी होगी तो अपन सपोर्ट करेंगे बॉस। लेकिन इसका जो लास्ट टाइम जो पोस्टर रिलीज हुआ था उसको लेके काफ़ी मीम बने थे, इंजॉय तो करा था, बट अपन ऐसा कुछ गलत नहीं कहेंगे क्योंकि मूवी अभी तक क्या नहीं बाकी है, तो हम पूरी मूवी देखने के बाद ही कुछ कहेंगे। बट ट्रेलर में देख के ऐसा लग रहा है कि मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, सस्पेंस होने वाली है और एडवेंचर मूवी होने वाली है ये अक्षय कुमार की। पर लास्ट जो अक्षय कुमार ने मूवी की है वो सब फ्लॉप गई है ब्रो, तो इस बार थोड़ा रिस्क है अक्षय कुमार का। पर यही साल में 3 फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी अक्षय कुमार भाई, बंदे की हिम्मत को मानो भाई, क्योंकि बंदे ने 3 फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी 5वीं फिल्म काट ली है भाई इसी साल में। मतलब हिम्मत तो है भाई अक्षय कुमार में, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी है, क्योंकि इतनी फ्लॉप फिल्म जाने के बाद भी और फिल्म काट रहे इसी साल में, तो ये खतरों के खिलाड़ी है भाई, ये अगले साल भी डाल सकते थे पर नहीं गाइस। पर सीतू रामा मूवी के अंदर जो हमें ग्राफिक दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी छपरी लग रहा है, बट स्टोरी ओरिजिनल लग रही है और स्टोरी ओरिजिनल ही होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर साउथ के जो अभी लास्ट फिल्में जो आई थी उससे अगर ये कॉपी हुई तो पब्लिक को पता चल जाएगा बॉस, और फिर पब्लिक आपको पता है। तो गाइस आपको क्या लगता है सेतु रामा मूवी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना यार, वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के